गया, घुस जा, घुस जा, घुस जा भाई, गायब हो जा, अंदर घुस, चल भाई। इतना गहरा गड्ढा देख, इतने 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 गहरे गड्ढे। बहू से बोलने की हिम्मत ना कुछ भी। मैं देखा ही ना। अरे जा जा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का फिलहाल का सीन तो ये है कि मैं हूँ आज छुट्टी पे। क्यों, क्या हुई? क्यों कि जैसा कि आप सभी ने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा, कॉलेज फेस्ट से आने के बाद ना थोड़ी थकावट सी महसूस हुई थी। नहीं देखा अभी तक भैया उसको? देखो, हम सभी सीनियर्स को इनवाइट करा गया था हमारे कॉलेज फेस्ट में टू इंटरेक्ट विद आवर जूनियर्स और उनको कुछ सीख दें कि कैसे जो पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जॉब लगने के लिए। अब मैं अपने मन में सोचता हूँ कि साला मैं कैसे कर सकता हूँ उन्हें, फिर भी लेकिन काफ़ी मजा आए। जूनियर्स जितने भी थे सारे एंटरटेनिंग थे, सब ने इज्जत करी। हम अपने सुपर सीनियर से ही मिले थे, हम अपने जूनियर से मिले थे और सुपर जूनियर से ही मिले थे। तो वो दो दिन काफ़ी मजे रहे थे। दो दिन का था, टोटल तीन दिन का होता है पर हम दो ही दिन गए थे। एक तो सेकंड डे जिस दिन एलुमनाई मीट थी और सारे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी उनका फाइनल होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कल्चरल एक्टिविटी का, और फिर हम गए थे कल जिसमें डीजे नाइट होती है, कॉन्सर्ट नाइट जो भी बोल दो, जिसमें आया था सागर भाटिया। तो उन दोनों ब्लॉग का लिंक जो है वो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उन दोनों को जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग हैं। और फिर आज मैंने छुट्टी कर ली। छुट्टी के दो रीज़न थे, एक तो मम्मी और भैया गए अलीगढ़ तो फिर घर पर कोई रहता नहीं, मैंने चलो छुट्टी लेता हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठ कर मैसेज डाला था व्हाट्सएप पे, मैंने देखा हमारे मैनेजर सर का खुद एक मैसेज आया हुआ है कि आई एम ऑन लीव ड्यू टू फीवर। आय हाय, इतनी खुशी! क्या बोला तूने? खुशी मैनेजर की तबीयत ख़राब होने की नहीं, ये थी कि हाँ मैनेजर छुट्टी पर है, मैनेजर की तबीयत ख़राब होने की खुशी नहीं है। तो जमीन अपना टाइम जो है 3:30 का, मैं तो बैठा वो ब्लॉग देख रहा था फ्लाइंग बीस्ट का, पर लेकिन मेरे को फिर आवाज़ सी कैसे सुनी, फिर वो आवाज़ किस चीज़ की थी? ओ किधर हो क्या तुम? कमरे में कबूतर घुस गया है, कमरे में कबूतर। अब मैं थोड़ा इसको ये कर रहा हूँ कि इसको निकाला कैसे जाए, क्योंकि मेरे को तो डर लगा, पट 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 फोड़ उठ रहा। एक ही भाई चला जा, भाई चला जा। क्या इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको कैसे निकाला जाए? बताता हूँ, ये देखो हमारी भाभी ने ना पूजा करके ये वाली विंडो खुली छोड़ दी। अब यहाँ से कबूतर उस जैसे वो बैठा है वैसे आता है, ऐसे घूम के इसके अंदर घुस जाते हैं। मुझे डर लग रहा है अंदर, वो फट 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 देखते लग रहा है पंजा पंजा मुँह पे ना मार दे, चलना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये बैठे नवाब, इसको कैसे उड़ाए? चल, कमरे में कबूतर घुसा पड़ा है, तुमने खिड़की खोली छोड़ दी। खुली पड़ी है खिड़की, और वो फट 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 कर रहा है। वो बस एक गेट खुला रहना, मेन गेट ही वाला, जिससे कि भागे फिर ये अगर इंगे को आया इस तरीके वाले। और ये जब भी खिड़की खुली रहती है ना उसके बाद ही तुरंत ही घुस जाते हैं, गलती कर दी पता नहीं कैसे, या तो इनसे ही भाभी जाएगी या फिर मम्मी से पूजा करके गई उनसे खुली रहेगी। अब देखो कैसे भाग रहा है, 1 2 वही, इस पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलता नहीं है पंखा, पंखा ले। ओए ओए ओए, बंद कर बंद कर बंद कर। गया गया गया, घुस जा घुस जा घुस जा भाई, गायब हो जा, अंदर घुस, चल। कहाँ बैठा बेवकूफी, भी ऐसे भी ना बाहर जाने की इच्छा हो रही, ठंडे ठंडे कमरे में बैठा मजे में। चलो भाई साहब, मुझे डर क्यों लग रहा है इतना कबूतर से? मुझे लग रहा है पीछे। ए भाई, ए भाई, वो नहीं है, तुझे डर नहीं लगता? नहीं, तुझे मेरा खौफ है कि नहीं? ए छोटू, चलो कांगा। ए मालिक, तुम तो मुझे ही डरा रहे हो यार। ऐसा ना हो रही खेलने की, घुस जा घुस जा, अंदर चला जा यार, उड़ता फिर रहा है इंगे तिंगे। परछाई आ गई, हद्दी हो गई यार, ये कबूतर नहीं भगाया जा रहा हमसे। सिट, वाइपर दो, वाइपर से भगेगा ये। पापा ने बड़ी मुश्किल से भगाया था।
निकलते ना साले, घुस तो हमें ये इधर रे यार बार बार वहां चुपक जावे, नीचे वाली खिड़की में जाना तुझे। चल फिर घूम रहा है, चल चल घुस 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 इसी में घुस जा, घुस जा। यस यस यस, पहले खिड़की बंद कर दो नहीं तो फिर से आ जाएगा ये। पूरे 10 मिनट की मशक्कत के बाद निकल तो चुके हैं कबूतर राजा हमारे यहाँ से। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है शाम के 7। मैं ना कबूतर उड़ाने के बाद गया था सो ना धो के, टी शर्ट मैंने वही पहन ली, मैंने क्या अब 2 घंटे के लिए टी शर्ट चेंज करेंगे। तो अभी भी लेकिन मम्मी का और भैया का पता नहीं है, सुबह 6:30 बजे निकले थे और अभी भी टाइम जो है 7 ही बज रहा है, तो पूरे 12 घंटे उन्हें हो चुके हैं। हम जब भी फोन करते कहते हैं बस पहुँचने वाले हैं। और ये लो तुम्हारा फोन बज रहा है, भक्का ही उसी वजह से फोन बज रहा। तो अभी लेट्स सी कितनी देर लगेंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं अपने ब्लॉग, जो मैंने ब्लॉग बताया था ना कॉलेज वाले कॉलेज फेस्ट का, उसका आज मैंने अपलोड कराया। तो ये वाला देखो काफी मस्त ब्लॉग है, जाके देख लो प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट यार रिक्वेस्ट है, इस ब्लॉग को देख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये लेकर आई कटोरियों में, माइक जाने की खुशी में चुन्नी गिर आई, कहाँ गिर दी तेरा, तुम तो सामान ही गिरते हुए आ रहे हो, इतनी खुशी मायके जाने की। ओहो परेशानी होगी, मम्मी थक गई है, अब भी थक गई, अब तो गाड़ी से गई हो, गाड़ी तो आज जो चलाई मैंने मम्मी के होता ना आदि है तुम्हारा बड़ा पूत, बहुत बढ़िया गाड़ी। अरे नहीं यार रास्ते ही बेकार, पूछो मम्मी से, मेरी गलती नहीं, रास्ते ही बेकार, मील के पास में रास्ते में गड्ढे बहुत है, मैं तो गड्ढे कैसे, मैं तो पता है इसलिए जानबूझ के भी नहीं गई। बढ़िया चलाई ना गाड़ी तुम्हारे बड़े पूत ना, हम जब बोलना तब तुम्हें गलत लगे। क्यों प्लेन रास्ते में चल रही गाड़ी भाई, में भाई इतना गहरा गड्ढा दे, कितने इतने इतने गहरे गड्ढे, क्या लाए हो फलूदा रबड़ी फलूदा, पता ना कौन सा आ मेरी जान, लाओ 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 भाई एक ही काम ढंग का करा इन्होंने आज तक, लाओ लाओ जल्दी दो। अरे भैया देख रहे हो हमारी कुछ कटर ना, माइक के आने का एटीट्यूड ही ऐसा हो जाए इनका, क्यों लाऊं गाड़ी लेके ना गए तुम लोग। का है बे रबड़ी फालूदा, ये तुमने बोला था उससे रबड़ी फालूदा, टपका वहां पे गुस्सा कर ले बस, कुछ पूछ लो तो अरे मुझे नहीं नहीं बहुसा बोल, बहुसा बोलने की हिम्मत ना कुछ भी, अरे जा जा हम पेट्रोल नीचे मत गिर दे, अपनी बहू को ध्यान ना ऐसा कर ले उल्टी ना आती हाथ। अरे यार तेरी तो जिंदगी उल्टी और टट्टी में ही रही, ये दोनों में मुझे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं वो गमी बियर्स, अच्छा सेम ही फ्रूटी सी नहीं हो, जेली सी नहीं होती, ओके हमें ना पता, मतलब कुछ भी।